डेवलप करे हमारा भारत। एक बार बाबा का जयकारा लगाया जाए। हर महादेव। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप बताइए बताइए, आए हैं पूजा करने के लिए, क्या कहें बताइए आप बताइए। क्या नाम है? आज आखिरी सोमवार है सावन का और सभी श्रद्धालुओं का महादेव मंदिर सिंहेश्वर धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं और शांति व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन का पूरा व्यवस्था है, सुरक्षित पूजा कर रहा है, सभी श्रद्धालु का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परिचय? जयकांत कुमार, पंचायत समिति युवा राजद मधेपुरा। अभी हम सिंहेश्वर मंदिर में है और सिंहेश्वर मंदिर में एक खास बात आपको बताएंगे कि आप जब भी आते होंगे पूजा करने के लिए तो मंदिर परिसर में दो कुआं आप देखते होंगे। आखिर कुआं, दो कुआं का क्या महत्व है, क्यों दिया गया है, इसी बारे में अभी हम पंकज बाबा से जानेंगे कि क्या महत्व है। दो दो कुआं दोनों साइड में दिया गया है, इसका क्या महत्व? देखिए, एक कुआं से बाबा सिंहेश्वरनाथ को जल चढ़ता है, दूसरा कुआं से माँ जगदम्बा को जल चढ़ता है। कौन कुआं बाबा को चढ़ता है? अभी हम लोग के पीछे जो कुआं है उसमें से बाबा सिंहेश्वरनाथ को जल चढ़ता है, इसके बगल में जो कुआं है उसमें मैया को जल चढ़ता है और जितने भी श्रद्धालु हैं सब इसी में प्राय है, लोग जल भरते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। यानी कि आस्था के समुद्र में सब नियम बह जाता है। बह जाता है उसमें, अभी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मान्यता यही है। इसके पीछे का कोई महत्व था कि ऐसे ही बना दिया गया? ऐसे ही मतलब दो कुआं है, देखो मैया अब चलेगा। यानी कि भीड़ को देखते हुए महिलाओं को एक साइड कर दिया जाएगा और एक साइड पुरुष रहे, तो इस हिसाब से तो जिला प्रशासन भी नियम बना सकता था कि महिला एक तरफ जाएगी और एक तरफ पुरुष जाएगा, इसका भी तो हो सकता था। हाँ, तो इस तो बना हुआ ना, महिला का एक साइड है, पुरुष का एक साइड है, वो तो बना हुआ है ना। आखिरी सोमवार है, अब तो भादा का महिमा शुरू हो जाएगा, तो बताइए कि बाबा सिंहेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो है भादों के लिए प्रसिद्ध है कि सावन के लिए प्रसिद्ध? देखिए, सावन तो शिवप्रिय मास है ही, कहावत है सौ रुद्री एक भद्री, एक देहाती कहावत है, सोनमा से भदवा दुबर थोड़े होता है, तो वो भी उसका भी एक अलग महत्व है, मकर का एक अलग महत्व है। इसी में आप सबको एक जानकारी देना चाहेंगे कि चूंकि पहले यहाँ पर भादो में जो पूजा होने का महत्व था वो सबसे ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर भादों में ज़्यादा पूजा होता था, लेकिन समय काल में क्या हुआ कि अब जो है लोग अगवानी घाट से या महादेवपुर घाट से वहाँ से भी जल उठा के अब जो कांवर लेके डायरेक्ट यहाँ आते हैं जल चढ़ाने के लिए, तब से ये ऐसा मान्यता हो गया कि यहाँ पर सावन में जब जैसे चढ़ना शुरू हो गया तो सावन का महत्व यहाँ बढ़ने लगा। लेकिन अभी से 20 साल 25 साल बैक चले जाइए तो उस समय में भादों का ही महत्व था, कैसे कि देवघर वासुकीनाथ से जब पूजा लोग करके लौटते थे तब सिंहेश्वर बाबा के और पदार्पण करते थे तो यहाँ पर भादों में भीड़ लगता था, लेकिन समय काल में अब जो चेंजिंग हुआ है उसमें सावन का भी महत्व बढ़ गया, तो क्या कहेंगे? था ही, बढ़ नहीं गया, सावन का महत्व तो था ही, बढ़ा नहीं है, और भादों का तो है ही। तो लास्ट रविवार में यहाँ खूब ज़्यादा भीड़ होता था भादों में। आखिरी सोमवार है, दो महीना विगत बीता, लंबा समय बीता, आप लोग लगातार श्रद्धालु को आशीर्वाद देते रहे, क्या कहेंगे पूरे दो महीना को? हम तो कहते हैं बाबा सिंहेश्वरनाथ से यही कामना करते हैं, ऐसे श्रद्धालु आते रहे, सबका मनोकामना पूर्ण होते रहे, बाबा सिंहेश्वरनाथ कामना लिंग है, जिस कामना से आप आते हैं पूजा करते हैं बाबा आपका एकदम मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा का मंदिर है, प्रांगण में खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो बाबा का बिना कोई मंत्र उच्चारण भी बिना किए ये समाचार पूर्ण नहीं हो सकता है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक मंत्रोच्चारण हो। ओम पापो हंग पाप कर्मा हंग पाप आत्मा पाप संभव त्राही माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव, काल हर कष्ट हर रोग हर सोग हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। तो हमारे साथ कुछ पंकज बाबा जुड़े हुए थे, उन्होंने जो बात बताया आप लोग भी जानकारी से मिल गया होगा कि मंदिर परिसर में कुओं का क्या महत्व है और उसका क्या, जो श्रद्धालु आते हैं उसे क्या करते हैं।
चूँकि और तरह का न्यूज़ तो लगातार चलता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस विषय में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। तो बस ऐसे ही बाबा का दर्शन करिए, आइए बाबा का के ऊपर अपना प्रेम, अपना जो है आस्था लुटाइए, ताकि बाबा की तरफ से आपको आपका जो मनवांछित मनोकामना है वो पूर्ण होता रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि आपका सभी मनोकामना पूर्ण हो, बस मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज डॉट कॉम और कोसी तक। सत्तर वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीजों से रहे दूर। चौमिन, पिज्जा, बर्गर, जितने भी स्टिकी चीज है, कृपया उनसे दूर रहें।